हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 10,350 के ऊपर अगर जाता है तो बुलिश हो जाएगा, 10,250 के नीचे अगर जाता है तो बेरिश होगा। आज 10,350 के ऊपर ही ओपन हुआ और आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। 10,480 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, बट अभी फिलहाल बहुत क्रूशियल लेवल के आसपास है निफ्टी। यहाँ से अगर आपका बाइंग पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सेलिंग के लिए अभी फिलहाल सेटअप नहीं है, लेकिन अगर 10,500 के आसपास रेजिस्टेंस फॉर्म होता है और कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है, डेफिनेटली एक सेलिंग ट्रेड हमें मिल सकता है अराउंड 10,520 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। उसके आसपास कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है तो एक काफी अच्छा सेल ट्रेड बन सकता है। आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो, निफ्टी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास है। 10,520-550 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। लेट्स सी, देखते हैं 10,550-540 के अराउंड कैसे ट्रेड करता है। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बैंक निफ्टी अगर आप देखें, बैंक निफ्टी के लिए अभी थोड़ा जगह बचा है, 22,700 तक पॉसिबल है बैंक निफ्टी। सो अनदर 300-400 पॉइंट का रैली हमें और देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी में फॉलो थ्रू बाइंग आया तो। सो बैंक निफ्टी में भी व्यू थोड़ा सा कॉशियस टू बुलिश है, लेकिन वेट एंड वॉच करना है। अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेट स्ट्रिक्टली आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बजाज फाइनेंस बताया था बाय। जिन लोगों ने ट्रेड करके पैसा बनाया है, आप पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों ने ट्रेड किया बजाज फाइनेंस, क्योंकि आपने देखा ये बहुत बेस्ट ट्रेड था। 2865 के आसपास मैंने बाय दिया था एंड आज 3000 तक जाके आई, ऑलमोस्ट 125 रुपीज का आपको देखने को मिला है। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे ट्रेड दे रहा हूँ, तो आई होप आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि आप ये चैनल फॉलो कर रहे हो और ये चैनल पे ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं और ऐसे लॉजिक के साथ आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है। सो लर्निंग एंड अर्निंग दोनों हो रहा है। ये आप लोगों को बताइए, ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक और एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों के साथ। नेक्स्ट स्टॉक होगा टीसीएस। टीसीएस मैंने आपको सेल दिया था 2020 के आसपास, इसमें 2010 तक नीचे आया ये, यानी इंट्राडे में इसमें 8-10 रुपए मिल रहा था, तो एक स्मॉल प्रॉफिट आपको मिल रहा था। इसमें भी आपको डेफिनेटली एक स्मॉल प्रॉफिट आया होगा। एंड रामको सीमेंट जो ट्रेड दिया था, सेल लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है, तो रामको सीमेंट ट्रिगर नहीं हुआ। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन के लिए। सबसे पहला स्टॉक होगा एनआईटी टेक। एनआईटी टेक का सेटअप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ये 1400 तक लेवल वापस रिटेस्ट कर सकता है, तो इसमें 20-30 रुपए के मोमेंटम के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा बाय कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक मुझे नेगेटिव लग रहा है, आप देख सकते हो शूटिंग स्टार पैटर्न है इसमें, एंड आप देख सकते हो कितने बड़े वीक के साथ सेलिंग हुआ है। मुझे लगता है इसमें 180 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें एक 7-8 रुपए का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हिंदुस्तान जिंक काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। एंड लास्ट स्टॉक होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील में अगर आप देखें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, और मुझे लगता है एक बार 350 तक का लेवल रिटेस्ट कर सकता है। सो टाटा स्टील काफी अच्छा बाय कैंडिडेट रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, कॉल्स को फॉलो करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।